अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ गांव में जिन चीज़ों के बारे में, वो शायद उनके बारे में आपने पहले किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। ऐसी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा ऐसी चीज़ें। तो जी मेरे साथ रहिएगा जी। आज हम दिखाते हैं जी आपको, ये आप देख सकते हैं जी, ये जी ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिनमें इन चीज़ों में गुदावा रखा जाता है, जो खाना जो मवेशी वगैरह को, मसलन भेड़ें बकरों दुम्बों और गाय वगैरह को रखा जाता है बच्चों को। इन चीज़ों में जी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जी। तो मेरे साथ रहिएगा जी। यहाँ पर हमारे पास एक और भी है, खुली है तो ये है जी। तो हो गई अभी तो यहाँ पर से ये जा रहा हूँ नीचे ऊपर, तीन हो गए अभी आप साथ रहिएगा जी। तो जी जी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जी, जो मैं बार ये जी पहले आपको इसके बारे में बताता हूँ कि जी हमारे पास भ्रूण है, इसमें जो गुदावा किया जाता है माल मवेशियों के लिए, उसमें उनके लिए इसमें भूख को साफ किया जाता है। मसलन जो भी हम भू लाते हैं उसमें से गंद वगैरह हो सकता है, उसमें मिट्टी हो सकती है और भी गिट्टियाँ पत्थर हो सकते हैं। मसलन के जो गुदावे के लिए भू इस्तेमाल किया जाता है जी, उस भू को उसमें छाना जाता है, इस भ्रूण को इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ के लिए। उसके बाद हमारे पास आए जी ये है जी, इसको भी अगर कोई मिट्टी के पानी इसमें डालनी हो गुआ वगैरह तो ये इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। इस बेलचे को ये हमारे पास ये है रबड़ का बना हुआ, इसको इसमें किया जाता है। और हमारे पास जो है जी ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसी हमारे पास दो तीन पड़ी हैं, तो इनको जी इस इनको गुदावा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जी। इसमें ये रखा गया है क्योंकि अगर ये टूटी हो तो उसमें से गुदावा नीचे गिर जाता है, तो इनको गुदावा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इसको खुली कहते हैं, इनको इनमें गुदावा रखा जाता है। बस इनके बकरियों बकरियों गायें बच्छों भेड़ों और लेलों के आगे जो गुदावा रखा जाता है उनके लिए ये बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक टायर भी मौजूद है, मुझे गाड़ी का टायर है तो इसको मैं उठा कर लाया हूँ। ये बकरों का आगे पड़ा हुआ था, तो जो छोटे बकरे होते हैं उनको पहले ये टायर रखा जाता है, उसके ऊपर ऐसी चीज़ रखी जाती है, फिर उसको उसमें गुदावा दिया जाता है जी बकरों को। उसके बाद जी हमारे पास ये भी एक मौजूद है, लोहे का बना हुआ है, साइड से लुकने लगी हैं साइड साइड से, बीच में से लोहा है, इसमें गुतावा सबको गुतावा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे पास ये है, इसका थैला नहीं है, ये हमारे पास हो गए जी चीज़ें। और जी हमारे पास एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर ये भी हमारे पास एक त्रामी है,
ये काफी बड़े साइज की है, इस तरह छोटी सी साइज की हो सकती है, इससे बड़े साइज की हो सकती है तरामियाँ। इनको भी इस्तेमाल किया जाता है जी चीज़ रखने के लिए। अब अगर इसमें कहीं से मिट्टी लाद कर लानी हो, कहीं से लानी हो, या कोई और चीज़ भी। अब इसमें देखें जी, हमारे पास हमें ये घुन लगा हुआ इसमें नज़र आ रहा है जी, इस तरामी में। तो मतलब कि इसमें भी गुतावा रखा गया है जी। तो हर चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है जी, मालवेश को खिलाने के लिए जी। तो जी आप लोग देख सकते हैं जी, इस वीडियो में जी मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रहा था जिन जिनको बकरों, बकरियों, छालियों, गायें, भैंसों, बच्छों को है ना, घास पाने के लिए और गुतावा पाने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है जी। तो जी, आप लोग देख सकते हैं जी, मैंने इस वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाई है जो मैं जिनमें के देखा है, ये हमारे पास है, मौजूद है जी। ये आप लोग इसमें वैसी खुली बनी है, इसमें एक गाय को गुदावा रखा गया था। और इस तरह ये हमारे पास एक और भी मौजूद है, ये जी इसमें ये घास डाला गया है, ये भेड़ को ये खा रही है जिसमें। तो जो उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो ऐसी और ये गांव की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।